सीट से रजिस्टर करें और जब सीट के अंदर जाएगा तो उसके बाद उसका अलग फेस शुरू हो जाएगा। जिस तरह से लास्ट ईयर चला था लगभग उसी तरह का है। मेरी स्टूडेंट से अपील यही है आपके माध्यम से कि वो जो ऑप्शंस भरें तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन भरें। ऑल्दो बीच में हम चेंज करने का ऑप्शन आपको देंगे ज़रूर, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम शुरू से ही ठीक तरह से थोड़ी मेहनत करके भरेंगे तो बाद में दिक्कत आपको कम होगी। दूसरी बात यह कि मिड एंट्री जैसे लास्ट टाइम खोला था, अगर किसी कारण से कोई स्टूडेंट पहली बार में हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया तो बीच में भी एक बार ऑप्शन और देंगे, लेकिन आप उस ऑप्शन पर मत जाएँ क्योंकि बहुत सारी अच्छी सीट्स पहले चली जाती हैं फर्स्ट ऑप्शन पर। सीरियसली केयरफुली समझें, पढ़ें, प्रॉस्पेक्टस को ज़रूर पढ़ें। नहीं तो कई बार क्या होता है उत्साह में हम भरना शुरू कर देते हैं, सबसे पहले प्रॉस्पेक्टस में जो रूल्स रेगुलेशन लिखे हैं उन पर ध्यान नहीं देते तो गलती हो जाती है और गलती कई बार भारी पड़ती है, तो ऐसी परिस्थिति ना बने इसका हम ख्याल करें। सर पिछली बार की बनिस्पत इस बार क्या क्या ज़्यादा चेंजेस हैं एडमिशन प्रोसेस? देखो चेंजेस बहुत ज़्यादा नहीं हैं, एक तो यही है कि पिछली बार हमने जो एडिशनल एडमिशन फर्स्ट राउंड में किए थे तो एक्सपीरियंस हुआ कि एक दो कॉलेजेस से कि वहाँ पर ड्रॉपआउट ही नहीं हुआ कोई, तो उनके पास तो 20% 30% एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स पहुँच गया। हमने कहा ऐसे कोई कॉलेज जहाँ ड्रॉपआउट 5% से भी कम हुआ उन कॉलेजेस में हम इस बार शुरू में जो है उसका हाफ करेंगे, 15% और 10% करेंगे एडमिशन एक्स्ट्रा एडमिशन सर उसमें कम हो। सर किन प्लेटफार्म पे जाकर स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं उसका कर सकते हैं? ये तो हमारा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए है कि टेक्नोलॉजी का जो हम डिसिप्लिन शुरू कर रहे हैं, हमारी इच्छा ये है कि जब स्टूडेंट हमारे पास आए तो उनके पास में कम से कम एक लैपटॉप होना चाहिए। तो हमारे पास दो ऑप्शन थे, जब उनका एडमिशन होगा तो या तो हम लैपटॉप दें, लेकिन हमने दूसरा ऑप्शन सोचा कि उनको हम मिनिमम बता देंगे कि इस तरीके का मिनिमम स्टैंडर्ड लैपटॉप आपको खरीदना है। वो क्या रहा है, किसी को कोई लैपटॉप अच्छा लगता है, किसी को कोई लैपटॉप अच्छा लगता है, फिर वो बाद में कहते हैं मज़ा नहीं आया। ये आप खरीद लीजिए जो आपको ख़रीदना है, हम आपके लैपटॉप की कॉस्ट या 50,000 रुपये आपको इमीडिएटली रिम्बर्स कर देंगे जो भी उससे कम है। अगर आपने 75,000 का लैपटॉप खरीदा तो 50,000 देंगे, 35,000 का खरीदा तो 50,000 रुपये आपको, 35,000। इसमें जो EWS अकेडमी है, 23 सब बच्चों को देंगे, चाहे वो EWS है चाहे कोई है, सारे 360 बच्चे जो होंगे एडमिशन लेंगे उन सभी का लैपटॉप हम 50,000 का उनको देंगे। ताकि देखो बच्चे बच्चे में भेद नहीं किया जा सकता, जिसका भी एडमिशन हुआ है अगर उसकी पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि EWS में आया है तो कोई बात नहीं, हमारे लिए वो हमारा स्टूडेंट है, हर सुविधा सब बच्चे को विश्वविद्यालय समान देंगे। सर एक सवाल और था सर, रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए इस बार कुछ विशेष छूट है या क्या है उसके लिए? रिजर्वेशन कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए क्या कोई विशेष छूट है या वही पहले वाले? पिछले वो तो जितना स्टैट्यूटरी जो भी प्रोविजंस हैं हम 100% उसको फॉलो करेंगे। हमारे आपने सर एक 25 वर्षों का एक लक्ष्य आपने जिक्र किया था कुछ दिन पहले, उसमें कुछ वोकेशनल कोर्सेज भी हैं, कुछ उसमें प्रोफेशनल कोर्सेज भी हैं जी। तो सर आगे जो 25 वर्षों का आपने जिक्र किया इसको लेकर क्या आपका एजेंडा है? नहीं देखिए 25 वर्ष क्योंकि भारत की सरकार ने, भारत के प्रधानमंत्री ने भी एक संकल्प लिया है कि देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो विकसित राष्ट्र बनने में शिक्षा की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि अच्छे नागरिक हम तैयार करेंगे, देश के प्रेम करने वाले नागरिक तैयार करेंगे तो 25 साल में हम बहुत अच्छा करेंगे। तो दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली शहर में है, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, हमें अपनी भूमिका उसमें खोजनी चाहिए। इसी कारण से हमने अपना 25 वर्ष का एक स्ट्रैटेजिक प्लान बनाया कि हम कैसे सहायता कर सकते हैं कि हम अच्छे इंजीनियर दें, अच्छे डॉक्टर दें, अच्छे साइंटिस्ट दें, अच्छे फिलोसोफर दें, अच्छे साइकोलॉजिस्ट दें, देश को जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे दें। ये ध्यान में रखते हुए हम कुछ चेंज करते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय में जो रैंकिंग सिस्टम है, हमारी इच्छा ये है कि अगले 10-15-20-25 साल तक हमारा विश्वविद्यालय विश्व में अपनी बहुत रैंकिंग में बहुत अच्छी जगह बनाए, हम कम से कम 100 में आए ऐसा हमें लगता है, और देश में तो हम बहुत अच्छा जल्दी आ ही जाएंगे, उसमें हमें कम तकलीफ लगती है, लेकिन जो विश्व रैंकिंग है उसकी व्यवस्था अलग है, नापने का तरीका अलग है और वर्ल्ड कॉम्पिटिशन अलग है। तो हम चाहते हैं कि हमारा विश्वविद्यालय अच्छी रैंकिंग में आए, उसके लिए ये जो भी स्टेप्स हैं नेसेसरी स्टेप्स वो अगले 10-15 साल तक लेते रहेंगे। सर अभी आपने जो एडहॉक टीचर्स की बात करी हाँ वो